आज मैं बनाने वाली हूँ सिर्फ 10 मिनट में ऐसी बर्फी जो एकदम हलवा स्टाइल में बनाएंगे। कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारा मीठा खाने का बहुत मन होता है लेकिन घर पर हमारे मीठा नहीं होता, तो ऐसे समय पर आप ये बर्फी ट्राई कर सकते हो, वो भी एकदम कम इंग्रेडिएंट में, एकदम ऐसी ये लाजवाब बर्फी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसमें हमें बर्फी बनानी है ना, उसे हम ग्रीस कर लेंगे घी से। सबसे पहले हमें यही काम करना है, बस इसको रख देंगे एक साइड में। अभी हम क्या करेंगे, एक पैन ले लिया, पैन में लेंगे हम घी, ये गाय का घी है, 1/4 कप हमने घी लिया, इसको मेल्ट होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर में हमने दूध लिया है 1/2 कप दूध, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसे हमें बॉईल नहीं करना है, बस मिक्स करना है। ये मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर, 2 कप मिल्क पाउडर है, थोड़ा थोड़ा मिल्क पाउडर डाल के ही हमें इसे मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि इसमें लम्स नहीं चाहिए। इसी तरीके से आप थोड़ा थोड़ा डाल के और गैस की आँच है वो धीमी कर दें, नहीं तो अगर फास्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी ये बर्फी जल सकती है। बस हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसमें लम्स नहीं होने देंगे। जब भी कोई फेस्टिवल्स आते हैं ना, तो आप ये बर्फी ट्राई कर सकते हो। अभी कितने सारे फेस्टिवल्स आएंगे, तो आप इसे फटाफट बनाइए, और आपके यहाँ गेस्ट भी आते हैं तो उनके लिए बनाइए, गेस्ट भी खुश हो जाएंगे खाकर और आप भी खुश हो जाओगे। तो ये देखिए, हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है, बिल्कुल अगर लम्स रहेंगे तो हम इसमें निकाल देंगे पूरे। अब हम इसमें डालेंगे चीनी, चीनी का पाउडर डाल रहे हैं 1/4 कप, बस पाउडर लिया हमने 1/4 ही चीनी लिया है, चीनी का पाउडर। अगर आप मीठा पसंद करते हो तो आप थोड़ा सा मीठा डाल सकते हो, लेकिन क्या है मत डालिएगा, क्योंकि मिल्क पाउडर में क्या है मीठा रहता है मिल्क पाउडर। तो ये देखिए, चीनी भी हमारी पूरी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, बिल्कुल अच्छे से, अभी देखिए लम्स भी नहीं है इसमें, अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। 2 से 3 मिनट लगता है, और कढ़ाई में भी ये जो डाला था हमने, ये कढ़ाई भी छोड़ने लग गई है, इसका मतलब ये गोला अपने आप इकट्ठा होने लग गया है, इसका मतलब कि हमारी बर्फी अभी रेडी है। लेकिन आप चेक कैसे करोगे कि भई हमारी बर्फी जो है ये ठीक से बनी है कि नहीं, तो इसके लिए एक ट्रिक है जो मैं अभी आपको बताऊंगी। ये देखिए, गोला अच्छे से बन गया है, अभी हम चेक करेंगे। ये देखिए, हम थोड़ा सा पोर्शन लेके लेते हैं इसका, और हाथ में लेके, गर्म है थोड़ा, बहुत मतलब गर्म तो है, लेकिन इसे हम देखेंगे, अगर हाथ को नहीं चिपक रहा इसका मतलब ये परफेक्ट बर्फी बनी है। अब ये क्या करेंगे, हम ये ट्रे में डाल देंगे और इवनली स्प्रेड कर देंगे, अच्छे से हमें इसे स्प्रेड करना है। बस अब थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, ये डालेंगे हम बादाम, कुछ बादाम डालेंगे और कुछ हम डालेंगे इसमें पिस्ता, आपको जो भी मनपसंद आपके ड्राई फ्रूट्स है आप इसमें डाल सकते हो। बस इसको अच्छे से इसे दबा देंगे, गर्म रहता है तभी आप इसमें ये ड्राई फ्रूट्स डालिए, फिर बाद में एक बार ठंडा होने के बाद हम ये इसे ड्राई फ्रूट्स नहीं लगा सकते इसमें। बस ये अभी थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, हल्का सा, फिर इसे हम कट कर लेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा मैं पोर्शन काट लेती हूँ, क्योंकि बर्फी का अच्छे से शेप देना है, जो भी मन हो शेप देने का आप वो शेप दे सकते हो। कट करके रख देंगे, और फिर पूरा ठंडा होने के बाद हम ये बर्फी निकाल देंगे। ये देखिए, अभी ये ठंडा हो चुका है, अब साइड वाला जो हमने कट किया था इसको भी हम इस तरीके से निकाल देंगे। देखिए कितनी अच्छे से हमारी ये बर्फी रेडी है। ये देखिए, हमारी बर्फी एकदम रेडी है, मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी कितने अच्छे से बनी और कितने जल्दी बन जाती है, 10 मिनट में हमारी बर्फी रेडी है। तो आप भी एक बार ट्राई करके देखिए, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन का बटन को भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू।